एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की रेप विक्टिम को अबॉर्शन कराने की इजाजत नहीं दी थी क्योंकि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा 32 हफ्तों का हो चुका था और मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया था कि इस सिचुएशन में लड़की और उसके होने वाले बच्चे को अबॉर्शन से जान का खतरा हो सकता है। और एक रेप विक्टिम के 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी का गर्भपात कराने की इजाजत देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था और ये कहा था कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इससे महिला की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि आखिर एबॉर्शन पर हमारा कानून क्या कहता है। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि महिला का एबॉर्शन कब और किसकी सहमति से कराया जा सकता है और किन सिचुएशंस में कराया जा सकता है और इस पर कानूनी प्रोविजन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बनाया गया था और इसके तहत अबॉर्शन से जुड़े हुए तमाम कानूनी प्रोविजन किए गए थे। कानून के तहत 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को महिला के वेलफेयर को, महिला के फायदे को देखते हुए डॉक्टर की सलाह से टर्मिनेट किया जा सकता है और 20 हफ्ते से ऊपर की प्रेगनेंसी के मामले में कोर्ट की इजाजत से ही अबॉर्शन कराया जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं कि कानूनन अबॉर्शन कब कराया जा सकता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में कहा गया है कि अगर गर्भ के कारण महिला की जान खतरे में हो या गर्भ में पल रहे बच्चे के विकलांगता यानी डिसेबिलिटी के शिकार होने की आशंका हो तो एबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर महिला मानसिक या फिर शारीरिक तौर पर कैपेबल ना हो कि वो बच्चे को गर्भ में पाल सके तो भी एबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर महिला के साथ रेप हुआ हो और वो प्रेग्नेंट हो गई हो तब भी एबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर महिला के साथ ऐसे रिश्तेदार ने संबंध बनाए हो जो वर्जित संबंध यानी प्रोहिबिशन रिलेशन में आते हैं और इस वजह से महिला प्रेग्नेंट हो गई हो तो भी उसका एबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर बच्चे को कोई मेंटल प्रॉब्लम हो या फिर कोई फिजिकल डिफॉर्मिटीज हो तो भी एबॉर्शन कराया जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं कि एबॉर्शन कराने के लिए किसकी सहमति जरूरी है यानी किसकी सहमति से एबॉर्शन कराया जा सकता है। एबॉर्शन के लिए सबसे पहले महिला की सहमति होना जरूरी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि महिला का अपने शरीर पर एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन यानी संपूर्ण अधिकार होता है, महिला को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि वो अपने शरीर पर एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन के साथ साथ ही पर्सनल ऑटोनॉमी का अधिकार भी रखती है ताकि वो अपने फैसले ले सके। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अनुसार एबॉर्शन के लिए महिला की सहमति होना बहुत ही जरूरी है। बिना महिला की सहमति के अबॉर्शन कराना कानूनन अपराध है। चलिए हम बात करते हैं कि सजा का क्या प्रोविजन है। महिला की सहमति के बिना उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराए जाने पर सख्त सजा का प्रोविजन किया गया है। अगर किसी महिला की मर्जी के खिलाफ उसका एबॉर्शन कराया जाता है तो ऐसे में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। आईपीसी सेक्शन 312 के अनुसार अगर महिला के फायदे के लिए एबॉर्शन नहीं कराया गया है तो ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कानून में सख्त कानूनी प्रोविजन बनाए गए हैं। आईपीसी सेक्शन 313 के तहत ये प्रोविजन है कि अगर महिला की सहमति के बिना उसका एबॉर्शन करा दिया जाता है तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने वाले शख्स को 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है या फिर उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। आईपीसी सेक्शन 314 के तहत ये प्रोविजन है कि अगर अबॉर्शन कराए जाने के दौरान महिला की मौत हो जाती है तो दोषी पाए जाने वाले शख्स को 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। अगर महिला की अबॉर्शन के लिए सहमति नहीं थी और फिर उसकी मौत हो जाए तो फिर दोषी पाए जाने वाले शख्स को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि अबॉर्शन पर हमारा कानून क्या कहता है, किसकी सहमति से और कब अबॉर्शन हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।